जब इसको कितना करने से भी जब मैं नहीं मानी ना, उसने सीधे बोला मुझे ऐसा रख के आमने सामने, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। मैंने कहा क्यों, तुम बहुत गोरी है। मैंने कहा गोरी हूँ इसका मतलब आप नहीं रहोगे? नहीं, मुझे किसी और से प्यार हो गया। मैंने कहा कौन है, तो है कोई, मुझे नहीं रहना। मैं हैरान हो गई, मैंने तब भी मैंने विश्वास नहीं किया। इसने मेरे से छीन झपट के इतना पैसा मैंने इकट्ठा करके रखा था कि है ना, कहीं हम लोग कहीं घर बुक करें इस तरह का, वो सब लेके वो निकला। अब कहाँ निकला, कौन लड़की होगी मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। फिर शाम को रात को आएगा नहीं, दूसरे दिन आएगा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया नहीं आया। तो मैं सोचने लगी, फिर वो जो ये साल 95 का लास्ट, चार बंगला महाड़ा में रहे, आरटीओ में रहे। तो फिर वो जो बिल आता है ना अपना पीसीओ का बिल जब आता है, तो मैंने बिल चेक किया, तो वो स्मिता बख्शी जो बोलती थी ना बहुत सारे, एक दिल्ली का फ़ोन नंबर था, है ना। फिर मैंने उस नंबर पे डायल किया, किसी ने उठाया वो, तो मुझे लगा कि कोई नौकर है क्योंकि उसके टोन से लग रहा था। फिर मैंने पूछा किसका घर है, ये बहुत बड़ा पेंटर है उनका घर है। मैंने कहा नाम क्या है, जतिन दास है ना, जतिन दास के। तो उस नौकर ने बोला जतिन दास जी कहाँ है, तो वो तो बम्बई में गए हैं, उनका उनका वो शो है ना, पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ गए हुए हैं। मैंने कहा उनका नंबर दे सकते हो, तो उसने दिया मुझे नंबर। तो फिर मैंने घुमाया जतिन दास जी को, तो उनको लगा कि कोई बायर होगी उनका पेंटिंग है ना, वो खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ, तो हाँ श्योर श्योर आप आइए एग्जीबिशन जहाँ होता है वहाँ टाउन में, जहाँगीर आर्ट गैलरी। तो फिर कैसे मैं आऊँगी आप फिर मिलने, तो मैं कैसे पहचानूंगी आपको, बोलने लगे। मैंने कहा मेरे मैं स्कर्ट ना ब्लैक स्कर्ट और वो टॉप डाला हुआ था, मैं ड्रेस में हूँ। तो मुझे जतिन जी बोल रहे थे कि आप मुझे पहचानोगे, मेरा बाल सफ़ेद है, ऐसा ऐसा है ना, आप भी मुझे पहचानोगे। तो मैं अपने भाई एक ना बोला भाई है मेरा, उसको लेके गई वहाँ। तो आइए मेरा एग्जीबिशन तो ख़त्म हो गया था, वो नीचे बेसमेंट में सारे वो रखे हुए थे पेंटिंग्स। मैंने बोला कि मुझे है ना पेंटिंग्स ने मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो वो बिल भी लेके गए थे। मैं पूछना चाहती कि ये आपके घर से हैं या, फिर कैंटीन में बैठ गए हम लोग, कैंटीन में समोसा वमोसा आ गया, चाय वाय आ गया, खाने लगे थे। फिर मैंने वहाँ बैठ के आराम से पहले तो वो बिल दिखाया और उनका वो नंबर दिखाया, तो उन्होंने एग्री किया कि ये नंबर हैं वो मेरे घर के हैं। तो ये घर से, आपके घर से कौन फ़ोन करता है फिर मेरे घर में? तो मुझे नहीं मालूम था कि उनका बेटी ही है ना, उनका बेटी का नाम नंदिता को मैं अलग जानती हूँ, लेकिन उनके बेटी है नहीं, मुझे नहीं मालूम था है ना। तो ये मेरे बेटी का कोई सहेली वहली आए होगी उसने किया। तो मैंने उनको बोला कि आपके बेटी का नाम क्या है, तो नंदिता दास। अरे नंदिता दास को मैं कहीं बार वहाँ मिली हूँ दिल्ली में, कई बार हम लोग बातचीत भी अच्छे करते थे। मैंने कहा अरे वो है, तो मैं सन्न हो गई। फिर मैंने बोला उनको कि मैं रघुवीर यादव की मिसेस हूँ और मेरा बेटा मेरा रघुवीर यादव बहुत दिन से यहाँ नहीं है, लापता है, और क्या आप जानते हैं कहाँ है? हाँ मुझे पता है वो कहाँ है,
कहाँ है बोला तो उसने बोला कि उन्होंने बताया कि वो तो बाली राजस्थान में कोई वर्कशॉप करने गए हैं दोनों। देखिए अब दोनों वर्कशॉप करने गए हैं, हमें बता नहीं सकते थे, नहीं थिएटर हाँ। तो बाली बाली एक जगह है वहाँ पे है, तो वो बोलते बोलते उनके दिमाग में भी सारा नक्शा आ गया होगा, तो वो उसका हाथ कांपने लगे। मैंने लगा कि मैं ज़्यादा पूछूंगी तो पता नहीं गिर गुर ना जाए, मैं कॉन्शियस हो गई कि मैंने ज़्यादा उनको पूछूंगी तो बेचारे है ना हार्ट अटैक ही ना हो जाए। तो उनको भी पूरा नक्शा बोलते बोलते उन्होंने तो अच्छे बात बोला कि नैनीता आता नैनीता लेके आए हैं घर पे रघुवीर को और बहुत अच्छा गाते हैं, अरे ये सब उनके घर में चलते रहें